हेलो दोस्तों, कुछ कैसे आप सभी? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, बीजेपी को जो सीट मिली है 240 सीटें मिली है। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि बीजेपी को लगभग 350 से अधिक सीट आने वाली है, 350 से अधिक सीट आने वाली थी। 400 पार का भी नारा दिया गया था जो जनता के द्वारा दिया गया था। हालांकि देखेंगे तो जो है बीजेपी को लगभग जो है 240 सीटें मिली है। हालांकि बात करें तो बीजेपी के हारने के मुख्य कारण बताया जा रहा है, तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे थे वो कैंडिडेट को जो है उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज नहीं था, उस क्षेत्र के बारे में जानते नहीं थे, उनको कोई जानता नहीं था, ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि बीजेपी को जब पता है कि जब अपने स्कीम पर भरोसा है, जब अपने वेलफेयर स्कीम पर भरोसा है, तो बीजेपी को अपने कैंडिडेट उतारना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर गलती किया और इसके वजह से इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और आगे से बीजेपी ऐसा गलती करने से बचेगी और अपने बीजेपी शायद अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखती भी है और बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करती है और आने वाले समय में ऐसी गलती ना करे। इसकी वजह से जो है ऐसी स्थिति बीजेपी को देखने को मिली है। हालांकि आप उदाहरण के लिए देखेंगे तो अयोध्या में जो सीट है, जो फैजाबाद सीट आती है अयोध्या की, उसमें देखेंगे तो लल्लू सिंह जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से थे, उनको कोई जानता तक नहीं था उस क्षेत्र के बारे में। और इसलिए अवधेश प्रसाद जो मौर्य है वो उन्होंने चुनाव जीत लिया और वहाँ पर जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जबकि राम मंदिर को मुद्दा को बीजेपी ने इतना ज़्यादा बड़ा जगह दिखाया और वहाँ पर मेजोरिटी हिंदू के भी है और जो है वहाँ पर राम मंदिर बना, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, वहाँ पर रेलवे स्टेशन बना, और फिर भी वहाँ पर बीजेपी इतने ज़्यादा मार्जिन से हार गई। ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है और बीजेपी इसे काफ़ी ज़्यादा सीखेगी भी। आप स्मृति ईरानी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सीट है, अमेठी की जो सीट है, उसमें देखेंगे तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, राहुल गांधी को 2019 में हराया था। तो राहुल गांधी इस बार जो है, राहुल गांधी खुद यहाँ से अमेठी से नहीं लड़े बल्कि वो भाग के चले गए रायबरेली में और वहाँ पर अपना कांग्रेस में अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया जिसका नाम था किशोरी लाल। और किशोरी लाल देखेंगे तो उस क्षेत्र में बहुत साल पहले से वहाँ पर काम करते आ रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में। अभी देखेंगे तो किशोरी लाल को बहुमत मिल गई है, अभी बस स्मृति ईरानी वहाँ से हार गई है। और जो भी देखेंगे तो राहुल गांधी रायबरेली से जीते भी हैं और केरल के वायनाड से भी जीत कर आए हैं। अभी एक कोई जो है उनको एक सीट छोड़ना पड़ेगा, अब चाहे रायबरेली से वो छोड़े या फिर जो है उन्हें वायनाड से छोड़ना पड़ेगा। बिहार में बात करें तो अभी देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो बीजेपी के द्वारा कंगना रनौत को टिकट दिया गया, वो जो है जीत चुकी हैं कंगना रनौत। हालांकि देखेंगे तो जब इन्हें जब कंगना रनौत को सीट दिया गया तो उन्होंने एक टीम जो है, इनका क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि उन्होंने एक इंडिया टीवी पर एक रिपोर्ट दिया था, एक बयान दिया था और जो है टाइम्स नाउ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे सुभाष चंद्र बोस थे। इनका ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, कई सारे लोग समर्थन कर रहे थे, कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे और इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था। पवन सिंह जो बिहार के काराकाट से थे वो भी जो है वहाँ पर हार गए हैं और जो है राजा राम सिंह जो वहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। हालांकि बीजेपी को इस चीज़ से, बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो घाटा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो घाटा हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर बीजेपी के लगभग 60-70 सीटें आती थी, इस बार मात्र 33 सीटें आई है और सपा की 37 सीटें आई है और नंबर वन पार्टी वहाँ पर जो है सपा बन गई है। और स्लोगन भी गया था, स्लोगन में निकाला गया था कि यूपी के लड़के, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ सपा के लिए और वहाँ पर जो है सपा की जो है ज़्यादा सीटें निकली हैं और सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लॉस हुआ है। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आगे आने वाले समय में चुनाव में इसे बहुत कुछ सीखेगी और अपने आप को चेंज करेगी और जो जो